150 ग्राम के साथ काटा, 1 किलो मछली है, पानी आता भाई ने काम कर मछली लेके चला गया हमरा के, आज बना तो में होगी आवत चले है मोबाइल में खींचे तरका जी। हम यूट्यूबर हैं, कांड ना सुन बोला तू का कहता है ये भैया कैसे मछली दे रहे हैं नहीं करे के फेमस हमको फेमस होंगे ये ना हमारा फोटो ले जा उठाई जा मछली आ हां ला हने बयारी ने वाह भाई वाह ये कौन सा मछली है ये कह दीजिए प्यासी है प्यासी है अच्छा अच्छा इसका क्या खासियत है बताइए खासियत है कि खूब खाने में मुलायम लगता है अच्छा अच्छा बढ़िया है और लेकिन खाती नहीं है दुनिया यही खा रही है आ कौन कौन खा सकता है इसको सब खा सकता है लड़का से लेकर दूध में जो पेट में का लड़का वो भी खा सकता है अच्छा हाँ मेहरारू वो तो पहले खाएगी वो पहले खाएगी तो यही तो चाहिए ना ऐसा मत करिए कि पहले अगर देखिए हमारे भैया के पास अभी फ़िलहाल में कोई ग्राहक नहीं है लेकिन ये आधा अधूरा मछली काट कर रखे हुए हैं चलिए दूसरे दुकान पर चलते हैं जिंदा मछली देखिए जिंदा मछली देखिए ये भैया ये बताइए कि ये जिंदा में और ये वाले मछली में क्या अंतर है इसका क्या रेट है जिंदा वाले का 150 है और इसका 160 रुपया अच्छा अच्छा मतलब ये जो है इसका 140 है और ये जो जिंदा है देखिए जिंदा मछली भी है हमारे यहाँ आपका मछली जो है कितना बिक गया है कितना बच गया है इनका मछली जो बता रहे हैं कि बाकी सब बिक गया है यही थोड़ा सा मछली बच गया है और ये भी कुछ देर में बिक ही जाएगा क्या नाम है इनका मुन्ना भाई एमबीबीएस मछली वाले इनको मार्केट में बोला जाता है मुन्ना भाई एमबीबीएस मछली वाले और ये देखिए इनका मछली बहुत बहुत मात्रा में ये मछली रखते हैं और इनका मछली जो है थोड़ा सा ही बच गया है और कुछ ही देर में इनका मछली जो है निकल जाने वाला है देखिए ये भी एक केकड़ा बेच रहे हैं पता नहीं ये कौन सा केकड़ा है हम तो ऐसा केकड़ा नहीं देखे हैं तो उसी दिन का आइएगा बाजार की लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये केकड़ा है और हमारे भाई साहब ये और हमारे भाई साहब केकड़ा पूरा बेच दिए पूरा बिक गया अच्छा जेल में हाँ आप जेल में जाएंगे पहला आप ही जेल में जाएंगे और दूसरा ये जाएंगे और ये जो बाकी लोग बैठे झगड़ा करता ढेर वो करे के भेजे ये सब लोग जेल में जाएंगे भैया ये सोहनपुर मार्केट है और बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ पे शाम को लोग आते हैं मौज मस्ती करने के लिए हमारा यह मछली मार्केट है और इसका नज़ारा देखना है।